नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पांच की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हम हाजिर हैं खास बुलेटिन पांच की आंच के साथ। पांच की आंच में आज बात होगी रायपुर में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले की, जिनकी टिकटों की कीमत खूब चर्चा में है। कीमतों को लेकर युवाओं में निराशा है। इसके अलावा हम बात करेंगे सीएम शिवराज के राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी की और उस पर कांग्रेस के पलटवार की। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कहां BSNL का GM रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा बात होगी कि कहां पर जहरीला पानी किसानों की फसल के लिए अभिशाप बन गया और स्क्रैप से बनाए गए मंदिर की भी बात हम करेंगे। बुलेटिन में और भी बहुत कुछ खास होगा। अपने शहर में क्रिकेट मैच हो रहा हो तो किसका मन नहीं करता कि वो स्टेडियम में जाकर मैच का लुत्फ उठाए। इसके लिए हर शख्स टिकटों की बिक्री शुरू होते ही टिकट के जुगाड़ में लग जाता है। लेकिन तब क्या हो जब टिकटों की कीमत आदमी की चाहत पर पानी फेर दे। कुछ ऐसा ही हाल रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर हो रहा है, जहां टिकटों की कीमत ने युवाओं की चाहत पर पानी फेर दिया है। देखिए, रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टिकट के दामों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रायपुर में होने वाले T20 मैच को देखने के लिए दर्शकों को कम से कम 3,500 रुपए देने होंगे। छात्रों को प्रूफ देने पर टिकट 1,000 रुपए में मिलेगी। महंगे टिकट ने क्रिकेट प्रेमियों का टेंशन थोड़ा बढ़ा दिया है। टिकट का रेट कहीं ना कहीं ज़्यादा है करके काफ़ी चर्चाएं हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कम होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा मध्यमिक वर्ग के जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनके मुकाबले 1,000 से लेकर 25,000 के बीच है। बहुत बड़ा फासला है प्राइस को लेकर। तो मेरे को लग रहा है कम से कम 200 से 300 रुपये टिकट होना चाहिए। क्या लगता है टिकट की दरों को लेकर? आप काफ़ी शॉर्ट्स लगाते दिखे यहाँ पर जी, लेकिन मेरे हिसाब से 200 या 300 रुपये टिकट होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी अगर यहाँ पर रायपुर में, नया रायपुर में मैच हुआ था तो उस पर अपना 200-300 रुपये टिकट था। लेकिन पिछले बार IPL के जो मैच होने के कारण कुछ समय के बाद मतलब टिकट का रेट बढ़ा दिए गए थे। मतलब जो टिकट का रेट बढ़ा हुआ था ना, मतलब ब्लैक में जो बेच रहे थे, तो मेरे हिसाब से कम करना चाहिए 200 या 300 रुपये तक, क्योंकि बहुत फ़ैन है जो बाहर के अपने क्रिकेटर को देखना चाहते हैं। एक तो भैया यहाँ पे मैच बहुत कम ही होता है और ये अपना दूसरा तीसरा साल में जो मैच हो रहा है, इसी के लिए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ टिकट का रेट कम से कम हो। इससे पहले रायपुर में मैच के मिनिमम टिकट की दर 500 रुपए होती थी। ऐसे में इस बार सबसे कम कीमत में मिलने वाला टिकट भी युवाओं की जेब से बाहर नजर आ रहा है। युवाओं का कहना है कि टिकट की दरों में कमी होनी चाहिए ताकि वो भी मैच देखने जा सके। T20 सीरीज का दूसरा मैच है, उन्हें कितना उत्साह है, कितने एक्साइटेड है? मैम बहुत उत्साहित हैं, बट जो टिकट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जा रही है। जो मिडिल क्लास बच्चे हो जाते हैं, बैचलर्स हैं, पढ़ाई करने आते हैं अदर स्टेट से भी, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि बच्चे जाके पढ़ देख सकें, इंजॉय कर सकें मैच। क्या करें, हम लोग फोन्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्साइटमेंट तो है हमारे पास, हम भी उत्साह जाके देखना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो चीज़। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप मैच? बहुत एक्साइटेड है मैम, क्या कि T20 मैच तो एक 3 ओवर का बहुत ही रोमांचक रहता है, बहुत सारी बाउंड्री देखने को मिलते हैं, तो एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन महंगे टिकट होने के कारण मन मार के मोबाइल में ही देखना पड़ेगा। काफी समय बाद यहाँ मैच हो रहा है, मैच देखने जाएंगे आप? हम जाने का तो था, पर टिकट इतने महंगे कि वो इच्छा ही नहीं कर रहा जाने का। तो सरकार से हमारी यही है कि कुछ टिकट कम करे ताकि मध्यम वर्ग के लड़के जाके उस मैच का एंजॉय ले सके, और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि टिकट कम से कम किया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज के आगामी मैच तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी हैं। 28 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले मैच के टिकट के दाम 500 रुपए से शुरू हो रहे हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम में मैच देखने के लिए कम से कम 750 रुपए देने होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि रायपुर में टिकटों की इतनी ज्यादा कीमत क्यों? News18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा और आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।
इधर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह से महंगी टिकटों को लेकर हमारे सहयोगी ने बात की और उनसे जानना चाहा कि रायपुर में टिकटों की कीमत इतनी ज्यादा आखिर क्यों है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम और मैच के खर्चे के आधार पर टिकट की दर तय होती है, इसके अलावा तमाम खर्चे भी जुड़े होते हैं जो हमें टिकटों की कीमत बढ़ाने को मजबूर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का T20 क्रिकेट मैच रायपुर में होने वाला है, ऐसे में क्रिकेट की महंगी टिकट को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह जी, इनसे सीधे बात करते हैं। क्रिकेट की टिकट यहां पर काफी महंगी बताई जा रही है, जैसे तिरुवनंतपुरम में काफी कम रेट है जो आने वाले उसमें मैच होने वाला है, यहां पर प्राइस 2000 से शुरू है जबकि बाकी जगहों में 1000 रुपए के अंदर ही टिकट मिल जा रही है। देखिए, महंगी टिकटें ये किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, अगर आप बाकी स्टेडियम्स के साथ कंपेयर करें तो हमारी प्राइसेस एट पा रहे हैं, अगर वानखेड़े या ईडन गार्डन्स या कोई भी अच्छे आप उस लेवल के स्टेडियम से कंपेयर करेंगे तो एट पार प्राइसेस हैं हमारे। और इसके अलावा क्या होता है कि अपना स्टेडियम जो है उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो 60,000 लोगों के लिए आयोजन की कॉस्ट वर्सेज 20,000 लोगों के आयोजन की कॉस्ट में भी फ़र्क रहता है। हम हॉस्पिटैलिटी ऐड करते हैं अपनी टिकटों में, तो उसमें पूरा खाने पीने का पूरा सुविधाएं रहती हैं, प्लस हम इवेंट्स करते हैं पोस्ट मैच, कुछ ना कुछ हमेशा दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहता है, इस बार भी है, तो ये सब चीजें ऐड करती हैं। अच्छा, टिकट की बात जब टिकट की कर दर डिसाइड करने की बात होती है तो इसमें आप बताइए कि किस तरीके से आप टिकट का जो रेट है वो डिसाइड करते हैं, कैसे, क्या BCCI करती है कि आप लोग किस तरीके से करते हैं उसका? ये ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर रहता है कि आप क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इन सब पे निर्धारित होता है कॉस्ट। तो अगर युवाओं का विरोध हो रहा है, लगातार लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी चीजें आ रही है, तो क्या इसमें कम हो सकता है क्रिकेट का जो प्राइस है टिकट का वो? नहीं, अब ये तो प्राइस जो इशू हो चुका है ये तो प्राइस यही रहेगा, और आप कहीं पे भी देखिए पूरे इंडिया भर में आप देखेंगे तो जहां पे इस लेवल का आयोजन होता है वहां पे टिकटों की प्राइसेस यही रहती हैं। अब अगर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, तो आप कॉस्ट कम कर सकते हैं जी। हम 500 रुपए से, 700 रुपए से, 1000 रुपए से चालू कर। मतलब छत्तीसगढ़ तैयार है? बिल्कुल तैयार है वेलकम करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया को वेलकम करने के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है। जुबिन शाह जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटैलिटी में जिस तरीके से खर्च होता है उसके आधार पर टिकट का दर डिसाइड होता है। तो मैच होने जा रहा है, उत्साहित तो सभी हैं पर टिकटों को लेकर के परेशान भी हैं, क्योंकि अगर आपको चेयर अप करना है, इंडिया टीम को चेयर अप करना है रायपुर में स्टेडियम में जाके, तो आपकी जेब जरूर कटेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला भी जुड़ गए हैं, वो भी जानकारी देंगे। आकाश, देखिए अभी अभी विश्व कप हुआ और हार के बाद कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों में बहुत मायूसी हमने देखी, फिर लगा चलो ठीक है रायपुर में इतना बड़ा मैच होने जा रहा है, हम जाएंगे देखेंगे, चीयर अप करेंगे टीम इंडिया को, पर रेट्स ऐसे रखे गए हैं कि कैसे जाएगा युवा या आम जनता, फैंस कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम साइंस कॉलेज के मैदान में यहाँ पर खड़े हैं और हमारे पीछे जो खिलाड़ी है देख सकते हैं अभी क्रिकेट खेल भी रहे थे और जो मैच होने वाला है भारत ऑस्ट्रेलिया उसकी बात भी चल रही थी। साफ तौर से बात यही है कि क्रिकेट महंगी है, कैसे देखने जाए। हमारे पीछे युवा है जो सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श दीक्षित है। आदर्श, अभी क्रिकेट मैच होने वाला है भारत ऑस्ट्रेलिया का, टिकट की दर को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, आप लोग देखने जा रहे हैं, टिकट खरीदे हैं अभी? सर, कोशिश किए थे टिकट खरीदने का, पर जैसा कि अभी हमने तुरंत ही फोन पर चेक किया है कि बेसिक जो सबसे सस्ता टिकट है अभी वो 2000 रुपए से चालू होकर 4000, 5000 और 10000 तक के है, परंतु जब इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का जनवरी में टूर हुआ था उस टाइम स्टूडेंट का टिकट अगर आईडी आप दिखाते हैं तब हमको मिल रहा था 300 रुपए में आईडी दिखा के, और 300 वाला नहीं, अगर आईडी नहीं है तो 500 रुपए, और बेसिक टिकट 1000 और 1500 की भी थी, जिसमें से मैंने पर्सनली 4 टिकट 1500 की बुक करके गया था मैं, जिसमें कुछ बहुत टैक्स लगा था बुक माई शो से। परंतु अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का जैसा कि फाइनल हुआ और हम बुरी तरीके से हार गए, जिसमें उसके बाद जो दुख हमको कम करना था इसमें हमको अभी हमारे रायपुर को केवल दूसरा ही मैच मिला है, पहला मैच भारत और न्यूजीलैंड का जनवरी में मिला था, ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच है। चलिए, मतलब देखने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टिकट नहीं मिल पा रही है, महंगी है टिकट। जी बिल्कुल सर। चलिए और बात करते हैं, आपका नाम? शिवम नाम है सर मेरा। क्या टिकट लिए हैं अभी आपने? टिकट तो अभी कल तक तो हाउसफुल था और अभी हम लोग ने अभी देखा कि अभी टिकट कमिंग सून में है
और टिकट बहुत ज्यादा महंगी है, 3500 रुपए है ना। तो देखिए साफ कह रहे हैं युवा भी कह रहे हैं, खिलाड़ी जो हैं कह रहे हैं कि कहीं परेशानी होती हुई नजर आएगी। जो उत्साह सभी में था, क्रिकेट प्रेमियों में था, वो फिर कहीं ना कहीं कम होगा या कहीं ना कहीं निराशा इसमें देखने को मिलेगी। एक बात ये भी यहां पर है गौर करने वाली कि जिस तरह से जिक्र किया गया है कि टिकटें बुक होंगी, भले ऑनलाइन बुक होंगी, उसके बाद आपको प्रिंट आउट्स लेकर के वहां पर हार्ड कॉपी लेकर के पहुंचना होगा। सवाल यहां पर यह भी है कि जो वहां के लोकल के रहने वाले हैं वो तो चले जाएंगे, जो बाहर से मैच देखने आ रहे हैं आखिर वो कैसे मैनेज करेंगे, काउंटर पे कैसे जाएंगे, कैसे सारी प्रोसेस होगी, इसको लेकर भी चिंता का विषय है। जी देखिए, टिकट को लेकर जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन भी टिकट भी उपलब्ध है, और युवाओं के लिए यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में व्यवस्था की गई है कि वो ऑफलाइन भी जाकर टिकट ले सकते हैं, लेकिन उनको आईडी दिखानी पड़ेगी। लेकिन ये जो सीटें हैं वो काफी लिमिटेड है, जैसे क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 1500 से 2000 तक ही टिकट होंगी जो छात्रों को दिया जाएगा। ऐसे में हम छात्र से ही बात करेंगे जो लगातार ट्राई कर रहे थे अपने स्टूडेंट कोटे से कि उनको टिकट मिल जाए 1000 रुपए में। 1000 रुपए में स्टूडेंट को टिकट मिल रहा है, आपने कोशिश भी की टिकट लेने की, क्या देखा आपने? नहीं, 23 तारीख को खुलेगा बोला था जब टिकट का, वो 23 को नहीं खुला, फिर 24 को 11 बजे खुलेगा बोला, तो 11 बजे से पहले मैं उसका इंतजार में था कि खुलेगा, टिकट बुक करेंगे करके, पर तो उसका रेट जो देखा 3500। तो स्टूडेंट लोगों को 1000 रुपए में टिकट मिल रहा है ऑफलाइन, यहाँ पे मिलेगा आईडी दिखा के, तो क्या वो टिकट की दर 1000 रुपए भी ठीक है या फिर ज्यादा ले रहे हैं? नहीं, जैसे इससे पहले विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में हुआ मैच, उसका बेसिक 700 या 500 रुपए रेट था, तो उस हिसाब से बेसिक यहाँ मिनिमम 700 या 500। तो कहीं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी निराश हैं इतने ज्यादा टिकट्स के रेट को लेकर के। हालांकि देखने वाली बात होगी, हालांकि देखना इसमें क्या ही होगा, क्योंकि क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ने साफ तौर से क्लियर यहां पर कर दिया आकाश कि किसी भी तरह का इसमें चेंजेस नहीं होगा, जो रेट्स तय किए गए हैं वो ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि मारी गई है। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का शिवराज ने जिक्र किया, जवाब दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस मोदी विरोध में अंधी हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं। शिवराज सिंह उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। और पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार में, लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अभी ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है। एक तरह से देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए, और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट भाई चांस होता है, एक आध हार गया तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज को कैसे भुना ले, मोदी विरोध में तो अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी। सर एक तो वही सीएम शिवराज के राहुल गांधी पर दिए बयान पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर निशाना साधा, तो वही बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। मुख्यमंत्री को जो है इस गलीज भाषा का प्रयोग करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो इसी तरह की भाषा सुनने के आदी हैं। अगर वो इस भाषा में बात नहीं करेंगे तो उनकी सीआर वैसी खराब है और खराब हो जाएगी। बात तो ये है कि जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय शर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। एक भारत का आम नागरिक की नजर से देखें आप, विदेशों में इस राष्ट्र की थूथू कराएं, विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियों के मोहरे बन जाएं, आप देश में हर देश के गौरव करने वाले विषय पर, जो देश के आस्था के श्रद्धा के विषय हैं, उसको आप धिक्कार करें, तिरस्कार करें, आप शर्म नहीं है तो क्या है?
और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां सीबीआई ने बीएसएनएल के रिश्वतखोर जीएम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जीएम ने किस लिए और क्यों मांगी थी रिश्वत, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में होगा। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रिश्वतखोर मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बीएसएनएल के जनरल मैनेजर को रिश्वत लेते पकड़ा। जनरल मैनेजर बीएसएनएल के सुल्तानिया रोड स्थित ऑफिस में पदस्थ है। जीएम के खिलाफ बीएसएनएल के ही जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर अवध साहू ने शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर ही सीबीआई ने कार्रवाई की। जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह ने चार्जशीट में से नाम हटाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहां सीबीआई ने 15,000 की रिश्वत लेते जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया। इधर मैंने मुंबई इंदौर में एक व्यक्ति को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो पर्सनल लोन की किश्तें नहीं भर पाया था। कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने ऑफिस बुलाया और युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। देखिए, इंदौर में लोन की किश्त नहीं चुकाने पर सिल्वर मॉल में मारपीट की घटना सामने आई है। बैंक के एजेंट ने लोन लेने वाले युवक और उसके साढ़ू के साथ जमकर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एजेंट ने लोन लेने वाले युवक ही नहीं बल्कि उसके साढ़ू को भी जमकर पीटा, जहां युवक मुकेश कोठारे और उसके साढ़ू सेवकराम को बैंक के एजेंटों ने जमकर पीटा। एजेंट उन्हें बैंक के अंदर केबिन में ले गए और उनकी जमकर पिटाई की। गौरतलब है कि पैसे देने की शर्त पर छोड़ने का वादा कर बैंक के एजेंट उन्हें बैंक के अंदर ले गए और उनके साथ मारपीट की। मामला तुकोगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। वहीं फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।